बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान का प्रभारी बनाया है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा का। वहीं पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी और जी किशन रेड्डी को कर्नाटक के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरने वाली है। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। जून और अगस्त के बीच अलग अलग तारीखों पर सदस्यों के रिटायर होने के बाद ये सीटें खाली हो रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 11 सीटें खाली हो रही हैं, वहीं तमिलनाडु और महाराष्ट्र से 6-6 सीटें खाली होने वाली हैं। इसके अलावा बिहार में 5 और आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं कर्नाटक में 4-4 राज्यसभा सदस्य रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा से 3-3 सदस्य जून और अगस्त के बीच रिटायर हो जाएंगे। वहीं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हरियाणा से 2-2 सदस्य रिटायर होंगे, जबकि उत्तराखंड से 1 सदस्य रिटायर हो गए। आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों को भरने के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 जून है। नतीजे 10 जून को घोषित किए जाएंगे। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।